इस वीडियो में मैं आपको लेकर आई हूँ दिल्ली के फेमस टूरिस्ट स्पॉट यानी इंडिया गेट पर। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। यह दुनिया का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है, जिसे 1914 से लेकर 1921 तक के युद्धों के शहीदों की याद में बनाया गया था। सर एडविन लुटियंस इसके चीफ डिज़ाइनर हैं। इंडिया गेट का उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था। इसके दीवार पर अफगान वॉर व पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नामों को लिखा गया है। यह 42 मीटर ऊंचा है और पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया गेट ना सिर्फ दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोगों के बीच पॉपुलर है, बल्कि फॉरेनर्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ आपको हर कोई सेल्फीज़ या फोटोग्राफी करते हुए दिख जाएगा। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ बहुत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंडिया गेट आकर आप और क्या देख सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, जिसे नेताजी स्टैचू भी कहते हैं। यह स्टैचू 28 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है। इस स्टैचू को 2022 में देश को समर्पित किया गया था। इंडिया गेट हिस्टोरिकल साइट होने के साथ साथ एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं और हर दिन यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है और आपको वॉक करके ही पूरा इंडिया गेट एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसे हाल ही में नए तरीके से बनाया गया है। वर्चुअल श्रद्धांजलि भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगी। चलिए अब चलते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर। वाओ, देखिए कितना सुंदर है, फूलों के पौधे रखे हुए हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल 40 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। पब्लिक के लिए इस वॉर मेमोरियल को 25 फरवरी 2019 को खोला गया था। देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, वो है वॉर मेमोरियल, ये स्मारक आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और पास चलते हैं इस स्मारक को देखने के लिए। ये जो झंडे आप देख सकते हैं, एक इंडिया का झंडा है और बाकी जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं उनके झंडे लगे हुए हैं। ये जो सर्कुलर एरिया आप देख रहे हैं, इसे अमर चक्र कहा जाता है और ये जो पिलर है उसमें आपको सामने धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये है अमर जवान ज्योति। और अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो आपको एक गार्ड नज़र आ रहा होगा जो अमर जवान ज्योति की तरफ देख रहा है। इन गार्ड्स की ड्यूटी कितनी टफ है, धूप बारिश तूफान में ये कैसे ड्यूटी करते होंगे, ये बहुत ही हम सोच भी नहीं सकते। बात करें अगर कि मुझे यहाँ आके कैसा लग रहा है, तो मुझे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा शांति का एहसास हो रहा है और वो बहादुर इंसान याद आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए अपनी ड्यूटी की और कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये पूरा सर्कुलर अमर चक्र दिखाऊंगी। फुहारे की जगह यहाँ पर पानी निकलता दिखाई दे रहा है और आपको इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में यहाँ काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है और साथ ही पेंटिंग भी लगाई गई है इन युद्धों के बारे में। और नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उस युद्ध में क्या हुआ था।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप दिल्ली घूमने आए हैं तो इंडिया गेट पर आप ज़रूर आइए और यहाँ का पूरा एरिया एक्सप्लोर कीजिए। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, इन दीवारों पर युद्ध के शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। यहाँ आकर आप इन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब आप इंडिया गेट आएं तो और क्या देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं। हमारे चैनल में आपको काफ़ी सारी ट्रैवल वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। जहाँ हम स्मारिका का बोर्ड देख रहे हैं वहाँ पर एक सोवेनियर शॉप है, वहाँ से आप कोई भी सोवेनियर खरीद सकते हैं। बात करें आप इंडिया गेट कैसे आए तो आप मंडी हाउस तक आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस पर और वहाँ से आप या तो वॉक करके आ सकते हैं या फिर ऑटो ले लीजिए, तो ऑटो आपको 40 रुपये में इंडिया गेट पहुँचा देगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एरिया कैसा है। यहाँ पर कोई भी फूड स्टॉल नहीं है। पहले यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल हुआ करते थे, पर अब यहाँ से फूड स्टॉल्स को हटा दिया गया है क्योंकि लोग कुछ भी खाते हैं कूड़ा वहीं फेंक देते हैं, तो इसीलिए यहाँ से फूड स्टॉल्स को हटा दिया गया है और किसी और साइड्स में फूड स्टॉल्स को शिफ्ट कर दिया गया है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी कुछ भी खाएं पिएं तो प्लीज़ कूड़ा डस्टबिन के अंदर ही डालें, डस्टबिन के बाहर या यहाँ वहाँ कहीं और मत फेंकिए। तो ये तो थी इंडिया गेट की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना।